नमस्ते फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी लेकर के आई हूँ। मार्केट में आजकल नया आलू खूब आ रखा है, तो और नए आलू के फ्रेंच फ्राइज़, चिप्स, ये सब अच्छे भी बहुत लगते हैं और हमारे घर में फ्रेंच फ्राइज़ पसंद भी बहुत किए जाते हैं। बस यही सोच के मैंने, मुझको लगा कि आज आप लोगों के साथ फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। आज ठंड भी बहुत हो रखी है, इस समय मैंने कैप भी नहीं लगाई हुई है। पहले मैं ज़रा कैप लगा लूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैं फ्रेंच फ्राइज़ कैसे बना रही हूँ। चलिए आप मेरे साथ, आप भी देखिए कि मैं किस ढंग से फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ। फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए हमें इस तरह के बड़े बड़े आलू चाहिए। कोशिश करिएगा कि बड़े ही आलू मिलें तो अच्छा है, अगर अगर नहीं मिलते तो छोटे आलू भी चलेंगे, लेकिन बड़े आलू लेने से फिंगर्स का साइज़ ज़रा अच्छा आता है। इस तरह के जो मिट्टी वाले आलू हैं, जो आजकल ये नया आलू आ रखा है, इस तरह के आलू से फ्रेंच फ्राई बहुत अच्छी बनती है। इस तरह के आलू से चिप्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने ये 3 आलू लिए हैं फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए। अब इसे अच्छे से धो लेंगे, वॉश कर लेंगे और छील लेंगे। ये देखिए, सारे फ्रेंच फ्राइज़ को मैंने पानी में डाल दिया है। अब इसको मैं 3 से 4 पानी में अच्छे से धो लूँगी, जब तक कि पानी एकदम हमें क्लीन ना दिखने लगे। मैंने इतना पानी बॉयल रखा है, ये देखिए। अब इस बॉयल पानी में मैं फ्रेंच फ्राइज़ को डाल दूँगी, और थोड़े थोड़े डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। जितने आराम से पानी में आ जाएं बस उतने ही डालिएगा। देखिए, बस मतलब बहुत ज़्यादा भरिएगा मत इसे। इस तरह से बॉयल पानी में इसे डाल दो और इसको बस 2 मिनट रखना है। 2 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं रखना। मैंने आज धीमी कर दी थी, थोड़ा सा तेज कर देती हूँ आज। बस 2 मिनट बाद हम इसे निकाल देंगे। और ये देखिए, मैंने एक प्लेट में पेपर नैपकिन फैला के रखा है। इस तरह से इस पेपर नैपकिन वाली प्लेट में मैं ये फ्रेंच फ्राइज निकाल दूंगी, और इस फ्रेंच फ्राइज को हम इसमें पेपर प्लेट, वो जो पेपर में हम फैला के रख देंगे, और फिर हम इसको ठंडा होने देंगे। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप इसको ऐसी पेपर नैपकिन पे फैला के कुछ देर के लिए हवा में छोड़ दीजिए, अपने आप इसका मॉइस्चर उड़ जाएगा। और अगर आपको जल्दी बनाना है या जल्दी है, तो जैसे आप इसको पेपर प्लेट मतलब प्लेट के ऊपर निकालते हैं, फिर किसी पेपर नैपकिन से इसको अच्छे से सुखा लीजिए, या फिर किचन टॉवल से अच्छी तरह सुखा लीजिए, ठीक है ना। बस इसे 2 मिनट ही रखना है। मैं बस अभी इसको निकालने वाली हूँ। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि हमें तो जैसे ये आज ही खाने हैं, मतलब सॉरी आज ही नहीं, मतलब अभी थोड़े 1-1.5 घंटे के बाद ही खाने हैं। अगर आपको इसको मतलब नेक्स्ट डे यूज़ करने हैं, या बच्चों को टिफ़िन में देने हैं, या नेक्स्ट डे, या फिर 4-5 दिन बाद यूज़ करने हैं, तो आप इसको फ्रीज़र में किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं, ठीक है ना। बस अब मैं इस स्टेज पे इसको निकाल लूंगी, और इसको मैं प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसको फैला देंगे, बस इस तरह से करके इसे फैला देना। ये वेट नहीं करनी कि ये पूरे के पूरे गल जाएं, क्योंकि जब ये फ्राई होंगे तब भी ये गलेंगे ही। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि पानी में नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है, बस सिंपल ही पानी रखना है, नमक नमक कुछ नहीं डालना, ठीक है। अब आगे कैसे करना है मैं आपको अब बताती हूँ। देखिए, अब ये पेपर पे मैंने पेपर प्ले मतलब के पेपर नैपकिन पे मैंने इस तरह से फैला दिए हैं। अगर आपको जल्दी है तो पेपर नैपकिन को इस तरह से इसके ऊपर यूं यूं इस तरह से कर दीजिए, ताकि उसका पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए।
लेकिन मुझे अभी बनाने में के लिए कोई इतना जल्दी नहीं है, तो मैं इसे आधा पौना घंटा ऐसे ही टेबल पे रख दूंगी, हवा में इसको सूखने दूंगी, ठीक है? फिर उसके बाद मैं बताती हूँ अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। और मैं फिर से बता रही हूँ, पानी में को उबालते टाइम उसमें नमक नहीं डालना है, ठीक है? ये देखिए, ये मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। हम लोग सरसों का तेल ही घर में यूज़ करते हैं, हम लोग रिफाइंड नहीं यूज़ करते, इसलिए आपको येलो कलर का ही दिख रहा है। अगर आप लोग रिफाइंड यूज़ करते हैं तो रिफाइंड में इसको फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरह सरसों के तेल को पहले जला लिया है, इसका धुआं निकाल लिया है, फिर उसके बाद मैं इसको इसमें मैं फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। और इसमें फ्रेंच फ्राइज़ को बहुत ज़्यादा नहीं भरना है कढ़ाई में, थोड़ा थोड़ा ही डालना है। ये देखिए, बस जितने एक बार में इजीली आ जाएं बस उतना ही डालना है। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको बस सफ़ेद सफ़ेद ही रखना है और फिर इसको हमें निकाल देना है। देखिए, बस मैं इसमें इतने ही डाल रही हूँ, ज़्यादा इसको नहीं भरना है। बस ये है कि ये फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हुए आपको सारे स्टेप्स याद रखने हैं कि सबसे पहले तो आलू अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, फिर उसको धो के छील के अच्छी तरह से ये फिंगर्स की शेप में उसे चॉप कर लीजिए, मतलब कि काट लीजिए, और फिर उसको उबलते पानी में सिर्फ 2 मिनट ही रख के, किसी पेपर नैपकिन वगैरह पे रख के आप उसे सुखा लीजिए। जब ये अच्छे से सूख जाए तब उसको ये फ्राई कीजिए। बस इसको अब मैं थोड़ा सा ही फ्राई करूंगी, पूरी तरह इसे नहीं पकाना है, और फिर इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है? आप अगर घर में रिफाइंड यूज करते हैं तो इसको आप रिफाइंड में भी मतलब बना सकते हैं। बस इसको लाल लाल नहीं, इस स्टेज पे इसको लाल लाल नहीं करना है, बस इसको सफेद सफेद ही हम निकाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पका के, ठीक है ना? इस तरह से बस अब मैं इसको प्लेट में निकाल दूंगी। ये देखो, अब मैं इसको निकाल दूंगी बस प्लेट में। ये देखिए, ये सारे सफेद सफेद ही दिखेंगे आपको। तो सफेद ही रखना है, लाल नहीं करना। इस तरह से ठीक है। ये देखिए, मैंने इसको सफेद सफेद ही निकाल दिया, इसको इस तरह से फैला देना है। और जो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको इसको स्टोर करके रखना है 4-5 दिन के लिए, तो इसको हम किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीजर में, तो इसमें से ये देखिए, ये मैंने लिया है प्लेट में कॉर्नफ्लावर, आप इसकी जगह राइस फ्लावर भी ले सकते हैं, ठीक है? अभी इसमें ना फ्रेंच फ्राइज में ये ऑयल लगा हुआ है, तो इसमें से जैसे कुछ फ्रेंच फ्राइज उठा के ये इस तरह से करके, ये देखिए, ये देखिए, बस इसको करके आप रखते जाइए इसको किसी, जब ये इसको आप चाहे आप किसी डब्बे में भर के फ्रीजर में रख लीजिए, चाहे किसी पॉलिथिन में जो जिप लॉक पैक होता है उसमें करके इसको आप फ्रीजर में रख लीजिए, ठीक है? अच्छी तरह से अगर आपको इसको
4-5 दिन के लिए स्टोर करके रखना है। तब अगर आपको इसको अभी ही खाना है, जैसे कि हम लोग इसे अभी थोड़ी देर में खाएंगे, तो इसको अरारोट यूज करने की या कॉर्नफ्लावर यूज करने की कोई आपको जरूरत नहीं है, या राइस फ्लावर भी यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। बस जैसे ये हमने तले हैं वाइट वाइट, इसको ही आप प्लेट में फैला के रख दीजिए और थोड़ा सा मतलब ये नॉर्मल हो जाए, फिर आप इसको फ्रीजर में रख दीजिए। फ्रीजर में कम से कम इसको 1 घंटा रख दीजिए, और 1 घंटे के बाद निकाल के फिर हम इसको तलेंगे, तब ये बहुत क्रिस्पी फ्राई होंगे। अब मैं इनको फ्रीजर में रख रही हूँ 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के बाद जब मैं इनको तलूंगी तो आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से बन रहे हैं। देखिए मैंने अब ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है, ऑयल को अच्छे से तरह से गर्म कर लें, और ये मैंने फ्रिज से निकाल ली है। फ्रेंच फ्राइज मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अब मैं इसको गरम गरम ऑयल में तल लूंगी सेकेंड टाइम। देखिए बस इसको अब तेज आंच पे ही तलना है। बस बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बस इसको अब तेज आंच पे तल के निकाल लेना है। देखते हैं आप तलने के बाद आप इस पे नमक डालिए, चाट मसाला डालिए, थोड़ी रेड चिली डालिए, कोई कोई पुदीने का पाउडर भी पसंद करता है, वो आपकी अपनी पसंद है, आप उस पे फिर जो भी डाल के खाइए। क्योंकि हमने इसे 2 मिनट बॉयल पानी में रखा था, इसलिए ये थोड़े तो तभी गल गए थे और थोड़ी ये अब फ्राई करते टाइम गल जाएंगे। बस अब इसको तेज आंच पे ही तलना है, तल के आप निकाल लीजिएगा इसे। आप भी अपने घर में इस तरह से फ्रेंच फ्राइज बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बने आपके फ्रेंच फ्राइज, आपके घर में पसंद किए गए, आपने उस पर किस तरह की सीजनिंग डाली, मतलब मसाले वगैरह क्या डाल के खाए, सब बताइएगा। बस जो जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं, बस वो सारे स्टेप्स आप फॉलो करके बनाएंगे तो आपके फ्रेंच फ्राइज भी बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब मैं बस इसको निकाल लूंगी, ये फ्राई हो चुके हैं। बस अब मैं इसे निकाल लूंगी, देखिए मैंने बहुत ज्यादा रेड नहीं किए हैं। क्योंकि ये गल तो पहले ही चुके थे, फ्रीजर में रखने से ये बहुत क्रिस्पी फ्राई होते हैं। ये देखिए बस मेरे फ्रेंच फ्राइज बनके तैयार हो गए हैं, ये देखिए मेरे फ्रेंच फ्राइज बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं अपनी रेसिपी को यहीं फिनिश करती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके आती रहूंगी। ओके बाय।